वेलकम प्रिय छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्न क्लब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके लिए। आपको उन्हें अच्छे समझना है और याद कर लेना है। आपको वेरी इजिली ये समझ में आ जाएंगे और वेरी इजिली आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलाइड के चार गुण धर्म लिखिए, है ना। आपको दोस्तों कोलाइड के जो भी गुण होते हैं हमें उनके बारे में दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कोलाइड के गुणधर्म, है ना। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड दोस्तों एक बिलियन होता है। कोलाइड ऐसा बिलियन होता है जिसमें जो भी कण होते हैं, कण जो होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वे क्या कहलाता है दोस्तों? कोलाइड कहलाता है। और जो कोलाइड के उदाहरण क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे कि दूध और मक्खन। दूध में दोस्तों इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए दोस्तों किसी यंत्र या फिर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, है ना दोस्तों। हम उसे कोलाइड कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम इसके गुण लिख देंगे, अर्थात हमें दोस्तों इनके गुणधर्म लिखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है, यह एक विषमांगी विलयन होता है, है ना। विषमांगी विलयन अर्थात दोस्तों विषमांगी विलयन हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें हम जो विलय के कण होते हैं हम उसे आसानी से आर पार देख सकते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो कोलाइड होता है हम उसे अब आसानी से आर पार तो देख सकते हैं लेकिन हम उसे आसानी से नहीं देख सकते। अर्थात दोस्तों हम उनके कणों को, उनके कण तो होते हैं लेकिन इतने छोटे छोटे होते हैं कोलाइड के कण कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है या फिर किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये दो प्रकृति दर्शा रहा है। ये देखिए दोस्तों, पहली प्रकृति क्या है, ये तो दोस्तों एक विषमांगी विलयन है लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? विषमांगी अर्थात हम उनके कणों को आर पार देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो प्रकृति दर्शा रहा है। पहला तो दोस्तों ये विषमांगी विलयन भी होता है और इन्हें हम अपनी इनके कणों को आसानी से देख भी नहीं सकते हैं, अर्थात हमें इन्हें देखने के लिए दोस्तों किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा होगा? तीसरा गुण देखते हैं दोस्तों हम, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं ना दोस्तों। ये देखिए, टिंडल एक प्रकार का प्रभाव होता है, है ना, जो कि ये दोस्तों ये प्रदर्शित करते हैं। चौथा, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। अर्थात दोस्तों जो कोलाइड में दोस्तों जो भी कण होते हैं, जो भी कण मिले होते हैं उनको हम दोस्तों आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते, अर्थात हम उसे पृथक नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, दूध हो गया, मक्खन हो गया, बसा, पनीर, ठीक है, इसमें दोस्तों जो भी कण मिले होते हैं आपस में हम उन्हें आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। अलग तो कर सकते हैं लेकिन हमें उन्हें अलग करने के लिए दोस्तों कोई विभिन्न विधियाँ अपनानी पड़ती जो कि कठिन होती है। हम इन्हें आसानी से पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कोलाइड के गुणधर्म समझा दिया हूं। उम्मीद है आपको समझ में आगा। पहला तो दोस्तों ये एक विषमांगी विलयन होता है और दूसरा हम इनके कणों को आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये दो दो प्रकृति दर्शाते हैं। ये टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और जो दोस्तों जो भी इनमें कण मिले होते हैं हम उन्हें बड़ी ही आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की चार विधियों के नाम एवं उदाहरण लिखिए, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, अर्थात दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दोस्तों, मिश्रण जो होता है वे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, समांगी या फिर विषमांगी मिश्रण होता है, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मिश्रण में दो दो से अधिक पदार्थ होते हैं अर्थात घटक होते हैं, तो हमें उन घटकों के पृथक्करण, अर्थात दोस्तों हम मिश्रण में से जो पदार्थ, मिश्रण में जो भी पदार्थ मिले हुए हैं हम उन्हें कैसे अलग अलग कर सकते हैं, हमें उन्हें अलग करने की चार विधियों के नाम एवं उनके उदाहरण भी लिखना है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं दोस्तों मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ, अर्थात मिश्रण में से हम घटकों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम उनकी विधियाँ को जान लेते हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है दोस्तों? आसवन विधि, है ना। मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल जो परस्पर विलय है, है ना। मिट्टी का तेल देखा हो दोस्तों आपने और पेट्रोल भी देखा होगा, इसमें हम दोस्तों किसी भी पदार्थ को मिला सकते हैं, अर्थात दोस्तों ये परस्पर विलय होते हैं के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त होती है। जो आसवन विधि है दोस्तों वे मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल के मिश्रण को, यदि दोस्तों हम मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल को मिला दें आपस में तो एक मिश्रण बन जाएगा। तो दोस्तों जो मिश्रण बना हम इसमें, ठीक है, जो भी संघटक को हम यदि बाहर निकालना है, अर्थात दोस्तों हमें मिश्रण को पृथक करना है, तो उसमें दोस्तों आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
सेकंड क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण विधि है। यह विधि क्रिस्टल एवं अकृष्टीय पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त होती है। सिंपल सा है, यह जो विधि है क्रिस्टलीकरण विधि, ये क्रिस्टल एवं अकृष्टीय पदार्थों में जो भी मिश्रण का जो मिश्रण होता है उनमें हम संघटक पदार्थों को अलग अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि, नमक एवं कपूर के मिश्रण के पृथककरण में प्रयुक्त होती है ना। ऊर्ध्वपातन यानी दोस्तों गर्म करना, एक प्रकार से कह सकते हैं। कपूर को दोस्तों यदि आप गर्म करेंगे तो दोस्तों उनके जो संघटक कण होते वे अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप नमक को भी गर्म करेंगे तो उसका जो दोस्तों जो कण होते हैं वे भी आपको अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात दोस्तों यह नमक एवं कपूर के मिश्रण के पृथककरण में प्रयुक्त होती है। चौथा देख लीजिए दोस्तों, लास्ट है अपकेंद्रण विधि, दही से मक्खन के पृथककरण में प्रयुक्त होती है ना। दोस्तों यदि आपको दही से मक्खन निकालना है ना, यदि आपको दही से मक्खन निकालना है तो उसके पृथककरण में दोस्तों अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों मिश्रण के पृथककरण की विधियाँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो दोस्तों मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझाया हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर करना, साथ ही में हमें कमेंट करके बता देना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का बहुत अधिक इंतजार रहता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।